वेलकम टू लाइफस्टाइल जंक्शन। इस प्यारे से बॉटल को बनाते हैं। चलिए, सबसे पहले तो इसके लिए बॉटल लेना है और उसे क्लीन कर लेना है। अच्छे से सारे स्टिकर्स निकाल लेते हैं और फिर ये एक प्रिंट आउट है, इसे मैं यूज़ करने वाली हूँ। मैगजीन से मैंने लिया था ये कटआउट। आप मैगजीन्स देखते रहिए, उसमें बहुत प्यारे प्यारे इस तरह से कटआउट मिलते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन आप डेकोपाज पेपर भी ले सकते हैं। तो इसे स्टिक करने के लिए मैंने यूज़ किया मॉड पॉज। इसका एक लिबरल लेयर लगा देना है और फिर इसमें हमने इसे चिपका देना है। अब बबल्स निकालने के लिए ऊपर मैंने एक सेलोफिन पेपर डाला और उससे रब किया, तो जितने बबल्स हैं ना वो बहुत इजीली निकल जाते हैं। इसके ऊपर मॉड पॉज का एक अच्छा सा लेयर और लगा देना है ताकि ये थोड़ा बहुत ही सही पर वाटरप्रूफ हो जाए। अब कार्डबोर्ड के मैंने स्ट्रिप्स काटे और उसे अंदाजन एक इक्वल अमाउंट में काट लिया छोटे छोटे टुकड़ों में। इसके मैं ब्रिक्स जैसे बनाने वाली हूँ। एक एक इंच के स्ट्रिप्स हैं ये और बस रैंडम ही यूं ही इन स्ट्रिप्स को मैं स्टिक करती जा रही हूँ फेविबॉन्ड की मदद से। यूजुअली कोई आर्ट बनाते वक्त ना दिमाग में एक रफ इमेज होता है कि इस तरह से बनाएंगे, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस बहुत कुछ चेंज होता है। ऐसा इसके साथ भी हुआ। अब ये प्रॉपरली स्टिक नहीं हो रहा था तो मैंने मास्किंग टेप की मदद से इसे ऊपर से फिर से चिपका दिया कि अच्छे से चिपक जाने देते हैं, फिर मास्किंग टेप को रिमूव कर देंगे। पर जब सब चिपक गया तो मुझे लगा वाई टू रिमूव। इसके ऊपर चलो टिश्यू पेपर का एक लेयर लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा और मजबूत हो जाए। तो बनाने के पहले दिमाग में ये बात नहीं थी, बनाते बनाते ये इवॉल्व हुआ आप कह सकते हो। तो बस नॉर्मल जो टिश्यू पेपर होता है उसे इस तरह पीसेस में मैंने काट लिया। पीसेस में काटने से ना थोड़ा आसान हो जाता है। अब इसके ऊपर जो हम ये पेपर लगा रहे हैं इससे आप बिलीव नहीं करेंगे ये बेहद ही मजबूत बन जाएगा। आप सोच नहीं सकती कितना महीन सा एक पेपर, ये नॉर्मल सा टिश्यू पेपर, इससे कैसे इतना अच्छा एडहेसिव का काम करेगा। तो एनीवे इसे अच्छे से लगाना है और ये बहुत इजीली शेप भी ले लेता है क्योंकि बहुत बारीक सा होता है। और फिर इसे हमने ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। मैंने इसे 2 से 3 घंटा ड्राई होने दिया, फिर ये एकदम ही मजबूत सा बन गया। अब जब ये ड्राई हो गया तो देखिए जो मेरा मोटिव था वो तो सक्सेसफुल रहा, क्योंकि ये जो टेक्सचर है ब्रिक के ये भी उभरे उभरे से दिख रहे हैं। तो सब कुछ परफेक्ट है, इसे अब हम पेंट कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ बर्न्ड ब्राउन कलर, एक्रेलिक कलर। आप इसमें कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मुझे वो थोड़ा सा अर्दी सा टेक्सचर चाहिए था। आप चाहें तो इसे बिल्कुल गुलाबी पेंट कर सकते हैं। बॉटल आपका, कलर आपका, मर्जी आपकी, जैसा मन हो वैसे बनाए। यूजुअली आपको पता है मुझे ना बड़े सारे सवाल आते हैं कि आप बार बार डेकोपाजी क्यों करते हो, इतने सारे प्लांटर क्यों बनाते हो, सिर्फ बॉटल आर्ट ही क्यों करते हो। अरे भाई मुझे मज़ा आता है इसे करने में। एक्चुअली है ये बात कि मेरा ना जेमस्टोन का शॉप है और वो मैं रेगुलर पिछले 20 साल से चला रही हूँ। साथ में ऊपर ऑफिस है जिसमें मैं काउंसिलिंग करती हूँ, क्योंकि मैं काउंसिलर हूँ, क्वालिफाइड काउंसिलर हूँ, थेरेपिस्ट हूँ। और मेरी बेटी हो गई है बड़ी, एडल्ट हो गई है, वो अपना लॉ खुद कर रही है, तो मैं थोड़ा बहुत समय अपने लिए अब निकाल पा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना पुराना पैशन जो है पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये करना स्टार्ट करूँ। फिर धीरे धीरे लगा जब बना ही रही हूँ तो क्यों ना ये मज़ा जो मुझे मिल रहा है आपके साथ शेयर करूँ। शायद आप इंस्पायर हों और आपको भी मज़ा आने लगे, आप कुछ इस तरह से बनाने लगे। टेक टाइम फॉर योरसेल्फ एंड डू द थिंग्स यू लव टू डू। इससे ना लाइफ जीने का एक अलग से पर्पज़ होता है, मज़ा आता है। नहीं तो वही सुबह उठना, सोना, खाना पीना और फिर एक दिन मर जाना। एनीवे इससे बहुत ज़्यादा मैं तब्दीलियाँ नहीं ला रही हूँ, पर हाँ मेरे लाइफस्टाइल में ज़रूर तब्दीली आ रही है।
ये हल्का फुल्का ऑरेंज डालकर ना मैं इसमें और रंगत ला रही हूँ। ये जो स्ट्रोक्स बीच बीच में डल रहे हैं इससे हो जा रहा है 3D इफेक्ट और ये बॉटल और ज़्यादा खूबसूरत दिखने लग जाएगा। आप इस तरह से टेक्सचर्स डाल सकते हैं और ब्रशेस जस्ट यूं ही रैंडम चलाते रहिए, अपने आप हाथ थोड़े दिन में पक्का हो जाता है और आप एक आर्टिस्ट बन सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। ऐसे भी ये डेकोपाज टेक्निक थोड़ा सा ईजी सा टेक्निक है, जिन्हें बहुत ज़्यादा पेंटिंग नहीं आती ना उनके लिए मज़ेदार है, तो एन्जॉय करिए इसे। ड्राई क्ले को इस तरह से फ्रेम जैसा बनाया और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई टूल्स वूल्स की ज़रूरत नहीं। आप कोई भी स्टिक, चम्मच या ब्रश के पीछे से इस तरह से आप टेक्सचर्स दे सकते हैं। बिल्कुल हूबहू चीज़ें अगर आपको ना मिले, जो मिलना पॉसिबल भी नहीं, आप ये समझिए कि ये सारी चीज़ें इंस्पिरेशन के लिए, आइडियाज़ लीजिए और अपनी चीज़ों को अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से चीज़ों को लीजिए और बनाइए। अब मैं इसमें थोड़ा सा कलर कर रही हूँ जो कि बहुत नीडेड नहीं था क्योंकि ऑलरेडी कलरफुल है, पर मुझे थोड़ा सा और ब्राइट करना था तो जो एग्जिस्टिंग कलर है ना उसके ऊपर मैं थोड़ा सा और एक्रेलिक कलर ऐवें ही डाल रही हूँ, आप समझ लो। पर ये दिखेगा ज़्यादा अच्छा, थोड़ा ब्राइट दिखेगा और डेकोपाज से ज़्यादा ये थोड़ा सा पेंटिंग वाला इफेक्ट लाएगा। एनीवे, आपका ये वाला चीज़ भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो एग्जिस्टिंग को वैसे ही छोड़ सकते हैं, उसके ऊपर से फिर से कलर करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बॉर्डर है इससे भी मैंने अच्छे से थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया और इसे सूखने दिया, वार्निश करना एंड में ना भूलिएगा और इसे फिर ट्राई होने दीजिएगा। आपको ऐसे वीडियोस अगर अच्छे लगते हों DIY वाले तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाना ना भूले ताकि मैं आऊँ तो आपको पता चले। लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको अच्छा लगा, बुरा लगा या क्या चेंज करना चाहते हैं। आपके आइडियाज़ भी बिल्कुल वेलकम हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।